हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। फर्स्ट डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। First we will take left hand side. Left hand side is x y z a b c x plus a y plus b z plus c. इसका third column sum of the two terms है, तो ये sum of the two determinant में टूट जाएगा। हमने property बताया था कि किसी determinant का कोई row या column sum of two terms है तो sum of the two determinants में टूटेगा। यानी first determinant का first column ये होगा, second ये होगा, third column होगा, और जो plus second determinant होगा उसका first column ये होगा, second column ये होगा और third column ये होगा। तो डिटरमिनेंट बन गया आपका एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। अब इसमें एक्स वाई जेड ये भी है, सी वन भी है और सी थ्री है, यानी सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। यहाँ सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो, देन जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज प्रूव दैट ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इन डिटर्मिनेंट बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी इन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है ये प्रूव करना है। फर्स्ट यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया इस डिटर्मिनेंट को। अब क्या करेंगे इसमें कि हम अगर देख रहे हैं कि कॉलम में ऐड कर रहे हैं सी वन चेंज टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यही चेंज करिए, C1 चेंज टू, ये एरो को चेंज का साइन पढ़ते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दीजिए ऐसे, ये जीरो हो गया। फिर इसको भी ऐड करिए, ये भी जीरो हो गया। फिर S को भी ऐड करिए, ये भी जीरो आ गया। C2 और C3 में जो बचा है उसको लिख लीजिए, B माइनस C C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B B माइनस C। अब यहाँ फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अगर इसी से एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी के आधार पर लिखना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो हो गया इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट वन 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 बी सी सी ए बी ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी बी इन ब्रैकेट सी प्लस ए सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है वन 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 बी सी सी ए बी, और फिर यहाँ पर है ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। अब इसको ऐड कर दीजिए C2 प्लस C3 को, तो ये बन जाएगा A प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, C2 चेंज टू C2 प्लस C3, C2 और C3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए, ये हो जाएगा वन वन वन, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। थर्ड कॉलम जैसे वैसे लिख दीजिए, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। अब सेकेंड कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। डिटर्मिनेंट में मैं पहले बताया हूँ कि डिटर्मिनेंट में वन रो या वन कॉलम से कोई वैल्यू कॉमन आती है, मैट्रिक्स में पूरे में कॉमन रहता है तब कोई वैल्यू कॉमन आती है। यहाँ से सेकेंड रो से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले लिया तो फर्स्ट कॉलम बन गया वन वन वन, फिर यहाँ इस यहाँ बन गया वन वन वन, और फिर थर्ड कॉलम में बन गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। यानी सेकेंड कॉलम से हमने कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहाँ बन गया वन वन वन। अब देखिए क्या हो गया, ये यहाँ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, जो C2 में एलिमेंट है 111 वही C2 C1 में एलिमेंट है 111 C2 में भी वही एलिमेंट है 111, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी आया हुआ है सीबीएसई में। प्रूव दैट इन डिटर्मिनेंट बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल है। फर्स्ट विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डिटर्मिनेंट बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब इसमें ऐसे ऐड करिए रो वाइज, यानी आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ऐड होगा तो क्या बनेगा टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐड होगा तो क्या बनेगा यहाँ टू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये ऐसे ऐड होगा तो क्या बनेगा टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सेकेंड रो और थर्ड रो ऐसे ही लिख लीजिए, तो सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट रो में टू कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपका टू कॉमन लिए तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी पी प्लस क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब डिटर्मिनेंट में एक साथ टू रो या टू कॉलम में चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ आर टू और आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो किस में नहीं चेंज है, आर टू में चेंज है आर थ्री में चेंज है आर वन में नहीं चेंज है, तो पहले आर वन लिख लीजिए, ये हो गया टू ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें से इसको माइनस करिए तो माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करिए तो माइनस क्यू, इसमें से इसको माइनस करिए तो माइनस वाई, फिर आर थ्री में से आर वन को माइनस करिए तो माइनस सी, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस आर, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस जेड। अब देखिए ऐड कर दीजिए आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी इनको ऐड करिए तो चेंज किस में आएगा आर वन में आएगा, ये होगा टू डिटर्मिनेंट ऐड होगा तो बी से बी कैंसिल सी से सी कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, चेंज केवल आर वन में आएगा। फिर इसको ऐड करिए क्यू से क्यू कैंसिल आर से आर कैंसिल, तो यहाँ होगा पी माइनस क्यू माइनस आर। फिर इसको ऐड करिए वाई से वाई कैंसिल जेड से जेड कैंसिल, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखिए ज़रा टेकिंग कॉमन माइनस वन फ्राम आर टू एंड आर थ्री, यहाँ से माइनस वन सब में है तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी माइनस वन कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन आर टू से कॉमन निकला और आर थ्री से कॉमन निकला, तो ये हो गया माइनस वन का होल स्क्वायर, तो होगा टू इन ब्रैकेट माइनस वन का होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट, ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन होता है, तो ये हो गया इज इक्वल टू टू और ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब ये है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट 6 to 14, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक सब में प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक में प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है, जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन उसमें प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी यूज़ करने का मतलब मिनिमम 2 प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करना होता है, तभी हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज, एक प्रॉपर्टी हम जो एक्सपेंड किए हैं उसको भी मान सकते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन कम से कम 2 प्रॉपर्टी अवश्य यूज़ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट 6 to 14 प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फर्स्ट यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्राम आर वन आर टू आर थ्री, आर वन से यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सी, तो ये हो गया ए बी सी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से ए कॉमन चला गया, यहाँ से तो हो गया माइनस ए बी सी, यहाँ से बी कॉमन चला गया तो ये बनेगा ए माइनस बी सी, यहाँ से सी कॉमन निकल गया है तो ये बचेगा ए बी सी।
टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री। अब सी वन से ए कॉमन ले लीजिए, सी टू से बी कॉमन ले लीजिए, सी थ्री से सी कॉमन ले लीजिए। तो ए बी सी जब फिर निकलेगा यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, डिटरमिनेंट में बचेगा माइनस वन 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 माइनस वन प्लस वन 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 माइनस वन। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम, आर टू चेंज टू आर टू प्लस आर थ्री, इसको ऐड कर देंगे ताकि यहाँ जीरो हो जाए। फिर आर थ्री चेंज टू आर थ्री प्लस आर वन, आर थ्री को आर वन में ऐड कर देंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड ये है कि किसी रो या किसी कॉलम में वन 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 बनाइए थ्री बाई थ्री के डिटर्मिनेंट में, और फिर टू जीरो बनाइए, और जिसमें टू जीरो बनता है उसी से, उसी रो या उसी कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि आर टू प्लस आर वन किया, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ यानी आर टू प्लस आर वन कर रहे हैं, और फिर आर थ्री चेंज टू आर थ्री प्लस आर वन कर रहे हैं। आर वन में कोई चेंज नहीं है, तो पहले आर वन लिख लीजिए, तो आर वन हो जाएगा आपका माइनस वन वन वन, इसको ऐड करिए तो ये हो गया जीरो, इसको ऐड करिए तो यहाँ भी हो जाएगा जीरो, इसको ऐड करिए तो वन वन, ये टू हो गया। फिर आर थ्री प्लस आर वन करिए, इसको इसके साथ ऐड करिए, इसको इसके साथ ऐड करिए तो ये भी हो जाएगा जीरो, फिर इसके साथ इसको ऐड करिए ये हो जाएगा टू, फिर इसके साथ इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा जीरो। अब फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन ब्रैकेट। आप जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट के साइन होते हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, को फैक्टर वाले फार्मूले से हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। तो ये हो गया माइनस वन। अब इसको रो और कॉलम को छोड़ करके जो मैट्रिक डिटरमिनेंट बचता है उसको ले लीजिए, तो माइनस वन, और डिटरमिनेंट बच गया आपका जीरो टू टू ज़ीरो, ये डिटरमिनेंट बच गया। अब टू ले लीजिए, अब इसका साइन जीरो ले लीजिए, जीरो का साइन क्या होगा, ये प्लस साइन इसका होता है तो इसका माइनस, चूँकि एलिमेंट में पहले से माइनस है इसलिए माइनस है, इस एलिमेंट का साइन तो निगेटिव होगा तो माइनस जीरो। अब इसके रो को निगलेक्ट कर दीजिए, कॉलम को निगलेक्ट कर दीजिए, डिटरमिनेंट बचा वन वन टू ज़ीरो। फिर अगर ये माइनस साइन है तो इसका साइन प्लस होगा तो प्लस ज़ीरो। अब डिटरमिनेंट में देखिए क्या बचेगा, इन डिटरमिनेंट, अब इसके रो को निगलेक्ट कर दीजिए, इसके कॉलम को निगलेक्ट कर दीजिए, जो बच गया माइनर वही डिटरमिनेंट होगा, तो हो गया आपका वन 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 ज़ीरो टू। अब देखिए, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन, प्रिंसिपल डायगनल का माइनस अदर डायगनल, तो माइनस वन इन ब्रैकेट जीरो माइनस फोर, माइनस एलिमेंट जीरो है इसलिए माइनर मल्टीप्लाई होने पर भी इसकी वैल्यू जीरो होगी, यहाँ एलिमेंट जीरो है इसलिए माइनर मल्टीप्लाई होने पर भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो माइनस वन इंटू माइनस फोर, ये हो गया प्लस फोर, ये हो गया फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट यही होगा, ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके।